जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। कहेगा समर्थन, छात्र जिस बात का समर्थन करेगा। अरे भैया स्टूडेंट की रोटी हम लोग खाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात थी तो किसी की औकात है सुप्रीम रामाना खान की सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध हम लोग कुछ बोलेंगे? तो हम और खान सर एक ही साथ बैठे हुए थे, तो अध्यक्ष महोदय ने दोनों को पहचान रहे थे, इसलिए कि हम चिल्लाते रहते हैं खान सर के लोकप्रियता के मामले में तो निश्चित रूप से फिर कौन नहीं जानता उसको। तो हमने कहा कि सर 10 सेट में रहेगा क्वेश्चन तो लड़कों को विरोध होगी, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलतफहमी है, 2 से 3 सेट में रहेगा। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि हम ही और खान पर ठिकरा फूटेगा, विरोध होगा। तो बोले कि इसी कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि सर आप अतुल सर जैसा ट्वीट मत कीजिएगा, छात्र नेता की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, जो छात्रों को पसंद होगा ना, है ना, छात्र को जो पसंद होगी उसी बात पर 15 तारीख को हम लोग साथ थे। मैं हूँ, खान हूँ, जो भी हो, छात्रों के साथ थे, छात्रों के साथ हैं, छात्रों के साथ रहेंगे, चाहे मरना भी पड़े। तो मैं अपने और खान के बारे में जरूर बोल सकता हूँ कि दोनों हम लोग तैयार हैं, मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन छात्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सदन सिंह। 17वें BPSC को लेकर बैठक हुई, एक बड़ी बैठक हुई, और शिक्षक का जो रिजल्ट है उसको लेकर भी बड़ी बैठक बुलाई गई थी, तमाम एग्जाम को लेकर बड़ी बैठक थी, और बिहार के तमाम जो कोचिंग संस्थान के जो मालिक हैं, सर हैं, जो तैयारी करवाते हैं, उन्हें बुलाया गया था। और इस बैठक में गुरु रहमान सर और खान सर मौजूद थे, लेकिन भ्रांतियां फैलाई बीच में। और इस बैठक में क्या कुछ हुई हम बातचीत करेंगे तमाम इन विषयों को लेकर। गुरु रहमान सर, इस बैठक में परसों ही बैठक हुई, इस बैठक में क्या कुछ बातें सामने आई, क्योंकि मार्केट में बहुत भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। आपको 30 तारीख को मीटिंग थी, मीटिंग में BPSC के अध्यक्ष महोदय ने और सचिव महोदय सतप्रकाश सर ने लेटर सब जगह लिखा था, और कहीं कहीं आए भी थे, रंजीत सर एक अधिकारी हैं वो हमारे पास आए थे, उस वक्त मैं पुनपुन में था, आए तो बोले कि ना सर 30 तारीख को आना ही है, किसी रात 30 तारीख को हम लोग गए, सारे टीचर, बहुत सारे टीचर थे वो भी गए, और इसी बीच में खान सर भी है, तो हम और खान सर एक ही साथ बैठे हुए थे, तो अध्यक्ष महोदय दोनों को पहचान रहे थे, इसलिए कि हम चिल्लाते रहते हैं खान सर के लोकप्रियता के मामले में तो निश्चित रूप से फिर कौन नहीं जानता उसको। तो हम लोग पहचान रहे थे उसको, तरह तरह की बातें होने लगी। तो आप लोग जैसा 3.0 के लिए जो बात उठाते हैं तो हमको तो रटा गया था, जैसे कि क्या क्या इन लोग का मुद्दा है, डोमिसाइल का मुद्दा था, परसेंट आपको मुद्दा था, सप्लीमेंट्री का मुद्दा था आपको मुद्दा था, इन लोग को DB का मुद्दा था आपको मुद्दा था, बिहार की स्त्रियों का मुद्दा था आपको मुद्दा था, ये शिक्षक में जितने भी तरह के मुद्दे थे उस सबको एक लाइन से हम एक साथ में पढ़ दी। अध्यक्ष महोदय ने कहा भी कि आप सबका सब बात बोली थी, ये सब बात होने के बाद सब भली बात हो था उस पर, मैं और खान सब लोग बोल रहे थे। उसी बीच में एक शिक्षक ने कहा कि सर हमको ये चाहिए ऑप्शनल लागू कर दिया जाए, तो ऑप्शनल लागू करने का विरोध मैंने और खान सर ने, विरोध मत कहिए, हम लोगों ने कहा कि ऑप्शनल तो यूपी से भी हटा रहा है। ऑप्शन, मैं भी इतिहास पढ़ाता हूँ, 200 लड़के ऑप्शन में रहते थे, तो इसको ऑप्शन पर हम लोगों ने भले विरोध किया हो, तब उन्होंने, हम लोगों ने कहा, खान सर ने कहा कि सर 10 सेट में रहेगा क्वेश्चन तो लड़कों को विरोध होगी। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलतफहमी है, 2 से 3 सेट में रहेगा, और परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था, उस पर अध्यक्ष महोदय ने 15 मिनट समझाई ये सुप्रीम कोर्ट की बात थी, तो किसी की औकात है सुप्रीम रामाना खान की सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध हम लोग कुछ बोलेंगे? हम लोग उस पर बोले कि सर जो भी हो विरोध होगा, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि हम ही और खान पर ठिकरा फूटेगा, विरोध होगा। तो बोले कि इसी कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि सर आप अतुल सर जैसा ट्वीट मत कीजिएगा, आप एक बार छात्रों के सामने आ जाइए, खान भी इसमें हम मिला है। तो वैसी परिस्थिति में 15 नवंबर को डेट फिक्स हुई आपको बापू सभागार या उसी तरह का कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें सारे के सारे BPSC परीक्षा देने वाले छात्र हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिलीप यादव से भी, दिलीप कुमार यादव जो छात्र नेता है वो, और सौरभ कुमार सिंह जो ये छात्र नेता है, इन लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा ये लोग भी रहे और उस दिन बात हो, तब परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन की बात हो। अरे भैया स्टूडेंट की रोटी हम लोग खाते हैं,
मैं हूँ, खान हूँ, कोई भी हो, और क्यों हम लोग परसेंटाइल और आपको नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तो हमारा खान को स्पेशल क्या मिलेगा? नहीं, ये कहा ये जा रहा है कि खान सर और गुरु रहमान सर परसेंटाइल और नॉर्मलाइज के समर्थन में है। काहे का समर्थन? छात्र जिस बात का समर्थन करेगा, छात्र नेता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो छात्रों को पसंद होगा ना, है ना, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। छात्र को जो पसंद होगी उसी बात पर 15 तारीख को हम लोग साथ थे। मैं हूँ, खान हूँ, जो भी हो, छात्रों के साथ थे, छात्रों के साथ हैं, छात्रों के साथ रहेंगे, चाहे मरना भी पड़े तो मैं अपने और खान के बारे में जरूर बोल सकता हूँ कि दोनों हम लोग तैयार हैं, मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन छात्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। 15 नवंबर को जो बैठक है उसमें तमाम जो बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, शिक्षक और ये बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो भी रहेंगे उसमें? बिल्कुल। अब इस पर भी लोगों ने कह दिया कि कुछ लोग जी हुजूरी कर रहे थे। भैया, बुलाया गया है, पहली बार ऐतिहासिक घटना थी कि परमार सर, सत प्रकाश सर हम लोग को बुलाए, तो ये ऐतिहासिक घटना थी, और उससे भी बड़ा ऐतिहासिक घटना है कि 15 नवंबर को वो रूबरू हो रहे हैं लाइव सब छात्रों के सामने। तो निश्चित रूप से मैं परमार सर को, सत प्रकाश सर को एक बार नहीं 50 बार सैल्यूट मारता हूँ, और मैं भी रहूँगा, खान भी रहेंगे, सारे लोग रहें, और उस दिन अपना मुद्दा रखे। छात्रों के साथ मैं और खान था, हूँ, रहूँगा, ये तय है। इससे 1% भी इतर बातें होगी तो मेरी और खान की अंतिम दिन उस दिन होगी। TR3 को लेकर जो रिजल्ट में लेट हो रहा है, क्या उसको लेकर भी बातचीत हुई? TR3 में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हुजूर, अगर कल परसों रिजल्ट दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कल परसों रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो पहले DB हो। तो उस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पहले DB कराएंगे, तो रिजल्ट DB के बाद आएगा, अच्छा आएगा रिजल्ट, पहले DB आएगा, अध्यक्ष महोदय ने कहा। अरे बाकी मास्टर लोग तो टीचर पर बचवे नहीं कर रहा था, लोग अफसल 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 टीचर के कोई बातें नहीं कर रहा था। ये तो मैथ में आने जगह जो गलती था उसमें हमने ये भी कहा कि भाई आप एक बात बताइए कि सर, आप एक बात बताइए कि SCERT की NCERT, SCERT की NCERT, तो बोले कि नहीं दोनों। तो सब बात हम लोगों ने किया, और बिल्कुल बेतुका बात है मेरा और खान के बारे में इसमें उंगली खींचना, ये बिल्कुल गलत बात है। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल की का निर्णय 15 नवंबर को होगा। तमाम स्टूडेंट, छात्र नेता लोग जाएँ, तमाम शिक्षक लोग जाएँ, मैं और खान भी रहूँगा, और हम लोग बात करेंगे। वी आर ए टीचर, हम लोग सिस्टम के पार्ट नहीं है कि हम लोग के कहने से कुछ बदल जाए कुछ नहीं बदल जाए। बस इतना है कि मैं और खान डेडिकेटेड थे, डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड रहेंगे। क्या परसेंटाइल को लेकर गुरु रहमान सर और खान सर, उन्होंने जो बैठक हुई उस बैठक में आप लोगों ने समर्थन नहीं किया था? बिल्कुल समर्थन नहीं किया था। वेदर द क्वेश्चन एराइज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, तो मैं और खान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हूँ। जब अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक टीचर ने कहा कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, तो बोला कोर्ट जाइए, जो हो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुना दिया। जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो हम खान चुप थे, 15 तारीख को डिसीजन होगा, 15 तारीख को जो डिसीजन होगा अध्यक्ष महोदय के द्वारा, सारे लोग रहेंगे, उस दिन क्लियर होगा। मैं और खान की केवल और केवल यही गलती कि हम लोग को लोग पहचानता था, और हम लोगों ने बच्चों की सारी मुद्दा को केवल इधर ऑप्शन ऑप्शन को लेकर नहीं, सारी मुद्दा को, शिक्षकों की सारी मुद्दा को, और इस पर बोला, इसलिए हम लोग ये हो गए, हाईलाइट हो गए। हाईलाइट थे भाई, हाईलाइट तो थे, हम और खान हाईलाइट थे, हैं और रहेंगे। लेकिन रही बात छात्रों के हित की बात, तो मैं और खान पर कोई उंगली उठाता है तो बजरंग बली छोड़ेगा नहीं उसको। देखिए, आप सुन रहे थे गुरु रहमान सर को, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो परसेंटाइल और जो नॉर्मलाइज है उसको लेकर हम लोगों ने समर्थन नहीं किया, और ये आयोग का कहना है, और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग बड़ा नहीं हो सकते हैं, खान हो या चाहे गुरु रहमान हो। लेकिन उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को एक बैठक बुलाई गई, उस बैठक में तमाम BPSC के जो तैयारी कर रहे छात्र रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, और BPSC के अधिकारी रहेंगे, उसमें ये फाइनल होगा। लेकिन परसेंटाइल और नॉर्मलाइज को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने कभी समर्थन इस चीज़ को लेकर नहीं किया है, ना कभी करेंगे। जो छात्र कहेंगे उन्हीं के हित में हम लोग हमें हाँ भरेंगे। वहीं BPSC TRE3 के रिजल्ट, शिक्षक जो रिजल्ट TRE3 में जो देरी है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही उसका भी रिजल्ट आएगा, और उसके पहले DB जारी किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट गुरु रहमान सर दे रहे हैं शिक्षक जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर। बहरहाल, खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए फर्स्ट प्यार झारखंड पर, मैं पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान
गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।